भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा मत्स्य अवतार। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब महादेव के क्रोध की ज्वाला से समस्त संसार कांप उठा था। संसार में हर तरफ सर्वनाश की त्राही त्राही मच गई थी जब महादेव ने क्रोध में आकर समस्त सृष्टि को जल में मग्न कर दिया था। तब सब जीव जंतु तथा सब मनुष्यों का इस सृष्टि से सर्वनाश हो गया था। परंतु महादेव के इतना क्रोधित होने का क्या कारण था कि महादेव ने क्रोधित होकर इस समस्त सृष्टि का विनाश ही कर दिया। तब इस सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि विष्णु को भी इस संसार की रक्षा हेतु मत्स्य अवतार लेना पड़ा। क्या है कथा इस सृष्टि के अंत और पुनर्स्थापना की? किस प्रकार सृष्टि का अंत होने के पश्चात पुनः इस सृष्टि में जीवन की शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में इस सृष्टि में हयग्रीव नाम का एक दैत्य निवास करता था, जो ऋषि कश्यप और माता दनु का पुत्र था। जब ब्रह्मा जी ने ज्ञान रूपी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना की, तब ब्रह्मा जी के निद्रा में लीन होने के पश्चात दैत्य हयग्रीव चारों वेदों को चुरा कर वहां से ले गया। जैसे ही संसार से वेद लुप्त हुए, वैसे ही इस संसार में धर्म का स्थान अधर्म लेने लगा। संसार में हर ओर अधर्म ही अधर्म फैल गया। मनुष्य बहुत दुराचारी हो गया। मनुष्यों के मन से धीरे धीरे परमात्मा का भय समाप्त होने लगा। मनुष्य इतना निर्दयी तथा दुराचारी हो गया कि वो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों को ही हानि पहुंचाने लगा। महादेव को सृष्टि की ये दशा देखकर अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से इस समस्त संसार को नष्ट करने का निश्चय किया। परंतु उस समय भी इस संसार में कुछ मनुष्य ऐसे थे जिनके भीतर धर्म अभी तक जीवित था। उनमें से सप्तऋषि और भगवान श्री हरि के परम भक्त राजा सत्यव्रत थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जिसका वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, एक बार राजा सत्यव्रत प्रातः नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ दे रहे थे कि तभी अर्घ देते हुए उनके हाथों में एक छोटी मत्स्य आ गई। हे राजन, मुझे पुनः जल में मत डालिएगा। नदी में रहने वाली बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को अपना आहार बना लेती हैं। यदि आपने मुझे जल में डाल दिया तो वो मुझे भी खा जाएंगी। आप तो राजा हैं और राजा का कर्तव्य तो रक्षा करना होता है, इसीलिए अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। हे मत्स्य, तुम भयभीत ना हो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने राजभवन में ले चलता हूँ। तुम वहाँ बिना किसी भय के कुशलता से रहना। परंतु क्या आपके राजभवन में मेरे लिए स्थान होगा? क्यों नहीं, मेरे राजभवन में तो अनेकों नगर समा सकते हैं। तुम तो मात्र एक मत्स्य हो, मैं तुम्हें अपने कमंडल में रख लेता हूँ। राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लेते हैं और कुछ क्षणों के बाद ही वो मत्स्य कमंडल के आकार की हो जाती है। राजन, ये कमंडल मेरे लिए बहुत सूक्ष्म है, आप मुझे किसी बड़े स्थान पर रखिए ना। ये कैसी विचित्र बात है, तुम कुछ ही क्षणों में किस प्रकार इस कमंडल के आकार की हो गई? राजा उस मत्स्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो अपने महल पहुंचकर उसे एक बड़े पात्र में रख देते हैं, परंतु वो मत्स्य पुनः बड़ी होकर उस बड़े पात्र के आकार में बदल जाती है। राजा पुनः उसे एक बड़े पात्र में रखते हैं, परंतु वो मत्स्य पुनः उस पात्र के आकार की हो जाती है। राजन, ये स्थान भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे किसी ऐसे स्थान पर रखिए जो मेरे लिए पर्याप्त हो। ये पात्र भी तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? अब तो तुम्हारे लिए केवल एक विशाल सागर ही पर्याप्त हो सकता है। राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को लेकर समुद्र में छोड़ देते हैं, परंतु उसके पश्चात जब उस मत्स्य का आकार समुद्र जितना विशाल हो जाता है, तब राजा समझ जाते हैं कि ये कोई मत्स्य नहीं अपितु मत्स्य के रूप में कोई अलौकिक शक्ति है। हे मत्स्य, आप अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति हैं जिसने किसी उद्देश्य से ये मत्स्य रूप धारण किया है।
और आप किसी उद्देश्य से ही मुझे मिली हैं। आप कृपा कर मुझे अपने अलौकिक रूप के दर्शन कराएं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। हे नारायण, जब आपने इस धरती पर अवतार लिया है तो इसके पीछे आपका कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य ही होगा। सत्य कहा सत्यव्रत, हम तुम्हें जो भी कथन कहने जा रहे हैं तुम उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। आज से ठीक 7वें दिन इस सृष्टि में विनाशकारी जल प्रलय आएगी। ये सृष्टि समुद्र में जलमग्न हो जाएगी। तीनों लोक जल में डूबने लगेंगे। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तब तुम सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका में बैठ जाना और सभी प्रकार के धान्य और औषधियों के बीजों को अपने साथ रख लेना, जिससे कि प्रलय काल के पश्चात तुम पुनः जीवन का प्रारंभ कर सको। जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी तब मैं इसी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान नारायण के कथानुसार राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों और सभी प्रकार के धान्यों और औषधियों के बीजों को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं और भगवान नारायण द्वारा प्रदान की उस नौका में सवार हो जाते हैं। उसके बाद ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर भयंकर जल प्रलय आ जाता है। आकाश में बिजलियां कड़कने लगती है, गरजते हुए मेघों से बड़ी ही भीषण वर्षा होने लगती है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है और समस्त संसार जल में मग्न होने लगता है। जब राजा सत्यव्रत सहित सभी सप्तऋषि भगवान नारायण की स्तुति करने लगते हैं, तब सर्वप्रथम भगवान मत्स्य रूपी नारायण जल के भीतर निवास कर रहे दैत्य हयग्रीव का अंत करने के लिए जाते हैं, जहां सर्वप्रथम उनका सामना हयग्रीव के सेनापतियों से होता है, जिनके मस्तक को भगवान मत्स्य एक ही प्रहार से अपने सुदर्शन चक्र से उनकी देह से विलग कर देते हैं। उसके पश्चात भगवान मत्स्य और दैत्य हयग्रीव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे पर समस्त अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करते हैं। हयग्रीव भगवान मत्स्य का सामना करने के लिए अपने समस्त बल का प्रयोग करता है, परंतु वो दैत्य अधिक क्षण तक प्रभु मत्स्य के आगे टिक नहीं पाता और भगवान मत्स्य अपने सुदर्शन चक्र से उसके शीश को उसके धड़ से अलग कर उसका अंत कर देते हैं। और चारों वेद जिन्हें दैत्य हयग्रीव ने ब्रह्मदेव से चुरा लिया था, उन्हें हयग्रीव से मुक्त कर अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। दैत्य हयग्रीव के वध के पश्चात जल के अंदर से भगवान मत्स्य के साथ श्री शेषनाग जी प्रकट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।